बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुसैनी पब्लिक हाई स्कूल श्रीनगर यूट्यूब चैनल। आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड की, ये है उसका लेजिस्लेटर स्ट्रक्चर जो हमने ऑलरेडी ड्रा किया था। यहाँ पर मैंने आपको बोला कि ये जो है ये जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ये एक पेयर यहाँ पर हमने रखी है, दूसरी पेयर यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक पेयर है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर एक ही पेयर है, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, बॉन्ड इन इलेक्ट्रॉन्स ने बनाया है। सिंस दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दे आर कॉल्ड लोन पेयर्स, इनको लोन पेयर बोलते हैं। लोन पेयर किसे कहते हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर मतलब दो होते हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पर ऑक्सीजन पर है दो लोन पेयर और यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर है दो लोन पेयर। लेकिन अगर कार्बन की बात करें, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, कार्बन पर आप कहीं भी नहीं देखोगे कि लोन पेयर होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। और इसके बाद हम और कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, जैसे और एक एग्जाम्पल है N2 मॉलिक्यूल, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, इसका भी लिविस स्ट्रक्चर बनाएंगे। नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 7, उसका है 2.5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब है इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है स्टेबल होने के लिए। अब दो नाइट्रोजन है, ये हो गया एक नाइट्रोजन, ये दूसरा। अब देखो इस नाइट्रोजन को कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 5, तो जरूरत कितने है 3, इसका मतलब है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा दूसरे नाइट्रोजन के साथ। देखो आउट ऑफ 5 इसने कितने शेयर किए, 3 बचे, कितने 2 वो यहां पर रखेंगे। देखो अभी हम पिछले लेक्चर में हमने बोला था कि लिविस ने बोला कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसमें इक्वल एंड म्यूचुअल शेयरिंग होती है। यहां पर अगर इस नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो ये वाला नाइट्रोजन भी कितने इलेक्ट्रॉन करेगा शेयर, 3 करेगा शेयर, और इसको भी बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको हम सर्कल बनाएंगे ऐसा, इस सर्कल में अगर आप गिनोगे इसमें बराबर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसी तरह इस सर्कल को ऐसे बनाएंगे, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर आप देखोगे यहां पर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, और पहला वाला होगा सिग्मा बॉन्ड और ये दो होंगे पाई बॉन्ड्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, और ये होगी लोन पेयर, इसको LPP लिखते हैं। यहां पर भी यहां पर नाइट्रोजन पर होगी लोन पेयर। डियर स्टूडेंट्स हमने ये कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की, बाकी जो एग्जांपल्स है वो आपको स्टडी मटेरियल में देखे हैं, वहां से आप उनको प्रैक्टिस करके वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब बात होगी, हम आपको ये पता है कि हमारे पीरियडिक टेबल में 118 एटम्स है, आउट ऑफ 118 एटम्स आपने अपने 9th क्लास से लेकर 10th में भी ये नहीं देखा होगा कि किसी एटम के नाम पर कोई चैप्टर अलग है, लेकिन सिर्फ एक चैप्टर है, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, वही एक चैप्टर है जो कार्बन को डेडिकेट किया गया है कि कार्बन के एटम पर है। इसकी वजह क्या है, वह हम इसको क्यों अलग से पढ़ते हैं, वजह यह है कि अगर हम लाखों जो हमारे पास कंपाउंड्स अवेलेबल है केमिस्ट्री में लिटरेचर में, उसमें अगर आप देखोगे लगभग 95% जो कंपाउंड्स है वो है कार्बन के। अगर कार्बन की परसेंटेज हम देखेंगे वो है 0.02% इन द अर्थस क्रस्ट, अर्थस क्रस्ट में ये बहुत कम तादाद में है। इसी तरह एटमॉस्फेयर में 0.03% की तादाद में होता है एटमॉस्फेयर में, इसकी इतनी कम परसेंट के बावजूद भी ये जो है कार्बन ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। मैंने अभी आपको बोला लगभग ये 95% कंपाउंड्स दुनिया में बनाता है, उसकी वजह क्या है, ये क्यों बनाता है। पहला रीजन है व्हाई कार्बन शोज वर्सटाइल नेचर, इसकी हेडिंग है, इसका पहला जो रीजन है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन किसे कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं जब सेम टाइप ऑफ एटम्स आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बनाएंगे, जैसे यहां पर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ेगा और एक कार्बन के साथ जुड़ेगा, एक लंबी चेन बनाएगा, इसी को बोलते हैं कैटिनेशन। पीरियडिक टेबल में आउट ऑफ 118 एटम्स देखा गया है सबसे ज्यादा जो पावर है कैटिनेशन का वो है कार्बन को, और ये कार्बन को क्यों है इसके पीछे रीजन है। पहला रीजन है कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है,
ये है पहला रीजन, कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो होता है बहुत मजबूत स्ट्रांग होता है। दूसरा रीजन होता है स्मॉलर साइज, स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन, कार्बन का जो साइज है वो बहुत कम है, वो भी एक रीजन है बिहाइंड द कैटिनेशन। कैटिनेशन किसे कहते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, आपस में जुड़ते हैं सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो एक रीजन है कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, दूसरा है स्मॉलर साइज, और एक रीजन है तीसरा वाला, अभी मैं आपको बोल रहा था कार्बन जो है, आपने कार्बन अभी कार्बन के दो चार एग्जाम्पल पिछले लेक्चर में भी देखी, वहां पर आपने देखा कि लोन पेयर कोई कार्बन पर नहीं रहते जब भी ये कंपाउंड बनाता है, इसका मतलब है नो लोन पेयर ऑन कार्बन। उसकी वजह से वहां पर, क्योंकि लोन पेयर उसको इफेक्ट करती है बॉन्डिंग करने में, तो जब कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं रहती, वही वजह है कि कार्बन लार्ज नंबर ऑफ, ये कैटिनेशन दिखाता है और कैटिनेशन की वजह से ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पर स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन लिखा, वो वजह है किसके पीछे? कैटिनेशन के पीछे। तो नाइट्रोजन इससे तो वो स्मॉलर है, वो क्यों नहीं दिखाता? नाइट्रोजन में प्रॉब्लम है, वहां पर लोन पेयर होती है। अभी आपने नाइट्रोजन की एग्जाम्पल ली N2 की, वहां पर आपने देखा वहां पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर थी, तो उसकी वजह से वहां पर वो आपस में बॉन्ड अच्छे से नहीं बनाते हैं। उसके बाद ये हुआ पहला रीजन। डियर स्टूडेंट्स, आपको जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है साइड पर, वहां पर आप नोट्स हासिल कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरा रीजन है इसके पीछे कि कार्बन क्यों ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, दूसरा रीजन है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी का मतलब ये है कि टेट्रा मतलब होता है फोर, वैलेंसी मतलब होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कार्बन जो है वो चार बॉन्ड्स बनाता है, देखो दो एटम्स के दरमियान मैक्सिमम तीन बॉन्ड्स बन सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन दो एटम्स के दरमियान ज्यादा से ज्यादा तीन बॉन्ड्स बन सकते हैं, चार नहीं बन सकते। अब कार्बन जो है ये क्या करता है काम, ये चार बॉन्ड्स बनाता है, उसका मतलब क्या है? मीथेन के एग्जांपल, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड यहां से, हाइड्रोजन के साथ यहां से, हाइड्रोजन के साथ, ये हो गया पहला वाला 1, 2, 3 और 4, इसका मतलब इसने चार बॉन्ड्स बनाए हैं। हाइड्रोजन के साथ जितने एक एटम बॉन्ड्स बनाएगा वो उसकी वैलेंसी बनती है। अब कितने हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़े हैं? चार जुड़े हैं, इसका मतलब है कार्बन की वैलेंसी कितनी है? चार है। इसका मतलब यह है कि कार्बन जो है ये टेट्रावेलेंट है इन नेचर, दैट मींस इट फॉर्म्स फोर बॉन्ड्स, तो उसकी वजह से वहां पर कोई लोन पेयर नहीं रहती, वहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन कार्बन पर नहीं रहता, और ये यहां पर ये भी रीजन है कि इसका स्मॉलर साइज वगैरह वगैरह। उसके बाद और एक रीजन है कार्बन जो है, तीसरा रीजन कार्बन बनाता है मल्टीपल बॉन्ड्स, कार्बन जो है वो बनाता है मल्टीपल बॉन्ड्स। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा बनाएगा सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बनाएगा डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के साथ बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब है कार्बन हैज द कैपेसिटी टू फॉर्म ऑल थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जैसे यहां पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यही वजह है कि कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।